दोस्तों मेरा ये कहना है कि अच्छे विचार एक चंदन की तरह होते हैं, जिनका हम जितना अधिक तिलक करेंगे हमारी उंगलियां उतनी अधिक महकेंगी। तो मैं आज बड़े फख्र के साथ कहती हूँ कि मैं मीडिया से जुड़ी हूँ, क्योंकि मीडिया में जुड़ा हुआ एक भी इंसान कोई साधारण इंसान नहीं होता। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपनी कलम की धार से तोप से छूटे हुए गोले को भी नकारा करने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों मीडिया आप सभी मीडिया से रिलेटेड है, फिर भी मैं कुछ बातें जरूर, मैंने अपनी स्पीच बहुत छोटी कर ली है, बट फिर भी एक मीडिया को कहते क्या है, मीडिया यानी संवाद। संवाद सिर्फ संवाद नहीं, सच्चा संवाद। एक मीडिया कर्मी जानता है कि मीडिया का अर्थ सिर्फ संवाद नहीं होता। अगर हम मीडिया से जुड़े हैं तो हमें सच और सच्चे संवाद को लोगों तक पहुंचाना है। और वैसे भी कहते हैं कि जब तो मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो, और इस बात को हमने सदियों से सच होते हुए देखा है। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय चांद, केसरी, स्वराज, कितने सारे पत्र और पत्रिकाएं थी जिन्होंने लोगों में क्रांति की भावना भरी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा देश अंग्रेजों से जल्द आजाद हुआ। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई, तो उस अवेयरनेस को किसने बढ़ाया? जाहिर है मीडिया। बस ये जरूर है कि मीडिया के स्वरूप समय समय पर बदलते आए हैं। अभी हाल ही में देखे एक छोटे से साधारण से कद काठी वाले इंसान, जी हाँ अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को कौन जानता था, पर एक मीडिया ही है जिनके कारण अन्ना हजारे जी का जो अभियान है, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जन जन तक, घर गांव, सिर्फ देश तक नहीं, शहरों तक से होकर पूरे वर्ल्ड में फैला। तो ऐसी मीडिया को हमारा नमन है। तो मीडिया को लेकर के वैसे तो यहाँ पर सभी की बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं जो है बहुत उन्हीं सब बातों को रिपीट करना मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा लगेगा। तो मैं इन शॉर्ट में मैं ज़रूर कहूँगी कि हम सब यहाँ पर आए हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर। जैसा कि अभी भाई जी ने बताया कि ये बिल्कुल सच है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ का वातावरण हमारे स्वभाव पर, हमारे आसपास के वातावरण पर बहुत इफेक्ट डालता है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, एक छोटी सी कहावत, बिल्कुल रियल जो है जिंदगी से जुड़ी हुई। कि कुमार श्रवण का अपने सबने किस्सा जानते ही होंगे, सभी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। फिर भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को कंधों पर ले जाकर के तीर्थ यात्रा की सैर के लिए निकले, तो रास्ते में जब वो चलते चलते एक शहर में आए, अब शहर का नाम जो है वहाँ पर उस समय व्याभिचार उस शहर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उन्होंने, पर रात हो गई थी, उन्होंने सोचा कि इंद्रप्रस्थ आजकल दिल्ली के नाम से फेमस है, मैं दिल्ली बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो उस समय इंद्रप्रस्थ पर, हालांकि दिल्ली में अभी भी व्याभिचार की कमी नहीं है, सारे व्याभिचारी पार्लियामेंट से लेकर सब जगह वहीं पर मिलते हैं, तो उस समय उनको मजबूरी थी, रात को उन्होंने वहाँ पर रुके, और जैसे ही वो रुके उनसे एक क्षण भी सोया नहीं गया। वो रात भर कंफ्यूजन में रहे कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी का अमूल्य समय इन बूढ़े लोगों की सेवा में क्यों लगा रहा हूँ, मैं भी तो मजे कर सकता हूँ, मैं भी अपनी शादी करके घर गृहस्थी बसा सकता हूँ, तो मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सुबह होते ही उन्होंने अपने माँ बाप से कह दिया कि बस हो गया, जितना होना था अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और मैं अब अपने जीवन को सदुपयोग करूंगा। अब किस तरह का सदुपयोग आप समझ सकते हैं। तो ये सुनते ही उनकी माता जी ने रोना शुरू कर दिया, पर पिताजी उनसे भी ज्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि बेटा देखो सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्योंकि अंधे थे उन्हें नहीं मालूम था, उन्होंने बोला कि हम आए कौन सी नगरी पर हैं। तो श्रवण ने बताया, तो अब ये समझ गए कि ओहो हम जिस जगह आए हैं। तो उन्होंने बोला, श्रवण देखो तुम बहुत सही कह रहे हो, तुमने हमारा बोझ उठाया, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, यमुना नदी के क्रॉस करा के हमें दूसरे पार छोड़ दो, तुम अपनी जिंदगी जैसे जियो, हमें कोई इतराज नहीं है। श्रवण ने सोचा इतने सालों से उनका बोझ हो रहा हूँ, तो एक जरा सा ये नदी पार कराने में क्या जा रहा है। तो श्रवण ने उनको नदी पार कराई, पर जैसे ही नदी पार कराई श्रवण को अपनी भूल का एहसास हुआ, वो अपने माता पिता के चरणों में गिर गए। तो श्रवण के पिताजी ने बोला कि बेटा इसमें तुम
तुम्हारा कोई कोई भी कसूर नहीं है, ये कसूर तो उस जगह का था जहां पर तुम रुके, जहां का तुमने अन्न खाया। तो भाइयों और बहनों, हम इतने पावन अवसर पर, इतने पावन मेला में सभी इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि हम इस पावन मेला से, देखिए कहते हैं एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, और मेरा मानना है कि सूरज जो है, सूरज एक अकेला एक गोला नहीं है, सूरज बना है काफी सारी आपकी लपटों से, जो सारी आपकी लपटें यहाँ पर इकट्ठी हैं। हम सब लपटों से मिलके अगर हम चमकेंगे तो दीपक नहीं सूरज वाला उजाला देंगे, जिसके नीचे भी उजाला है और ऊपर भी उजाला। तालियां, तालियां। तो अब मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर हम यहाँ से जाएं तो इस जो पत्रकार सम्मेलन से हम लोग जो नई सोच लेकर के जा रहे हैं, नई स्वच्छ और ऊर्जा से भरी हुई सोच हम लेकर के जा रहे हैं, तो उसको हम पूरे संसार में सूरज बनकर, दिए का एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी, दिए का जमाना गया, तो सूरज बनकर फैलाएं, क्योंकि हम आपके गोले हैं, ये हमें महसूस करना पड़ेगा। और आखिर सिर्फ दो लाइनें कहूंगी आप सबका धन्यवाद देते हुए, कि कब तलक जख्म हंस के खाएंगे हम, कब तलक चोट दिल की छुपाएंगे हम, कब तलक जख्म हंस के खाएंगे हम, कब तलक चोट दिल की छुपाएंगे हम, सच ही है हमारी ताकत, गर दोस्तों संग हो तुम्हारा, यूं ही दुनिया जीत जाएंगे हम, यूं ही दुनिया जीत जाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हेमा शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर दीदी से बताया कि हमें सूरज बनना है, ऐसा सूरज जो सारे विश्व को ज्ञान का